हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हमारा 20 चैप्टर यानी विंशति ही पाठा जवाहरलाल महोदया इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इसको वन बाय वन पैरा रीड करूंगी, उसके बाद इसको आपको समझाऊंगी। जवाहरलाल नेहरू महोदय से नवम्बर मासस से चतुर्दश दिनांके 1881 तमे ख्रीस्तताब्दे काश्मीर से सारस्वत ब्राह्मण से कुले प्रयाग से मीरगंज नामनी स्थानम जन्मम अलभत। अस्य जनकः पंडित मोतीलाल नेहरू महोदय, माता च स्वरूपरानी आसीत। जवाहरलाल नेहरू महोदय का जन्म नवंबर महीने की 1881 ईस्वी में नवंबर महीने की 14 तारीख को ब्राह्मण कुल में प्रयागराज में मीरगंज नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। इनके जो जनक है यानी इनके माता पिता, इनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू महोदय और माता का नाम स्वरूपरानी था। आसीत की मीनिंग होती है बेटा था। ओके, और अस्य जनकः, जनकः किसको बोला गया है, हमारे माता पिता को बोला है जो हमारे जनक हैं। आ जन्मनः अस्य पूर्वजः दिल्ली नगरे नेहर तटे निवसन्तः आसन्, अतः एव सः नेहरू इति उपनाम्नः प्रसिद्धः अभवत्। तदानीं पंडित मोतीलाल प्रयागस्य सर्वेषु वाक्केलेषु प्रसिद्धः आसीत्। सा आनन्दभवने वसति स्म, बहवः आङ्ग्लदेशीयः अपि तस्य गृहम् आगन्तुम् उत्सुकः आसन्। अनेकवारं सा एकस्मिन्नेव भियोगे लक्षशः रूप्यकाणि अर्जितम् अकरोत्। पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदया स्वपितु एकाकी पुत्रः आसीत् येन सा ता राजपुत्रवत् पर्यपालयत्। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म से पूर्व इनके माता पिता जो इनके पूर्वज थे वह दिल्ली नगर के नेहर तट नामक स्थान में निवास करते थे। वहीं से इन लोगों के नेहरू की उपाधि दी गई और इसके बाद पंडित मोतीलाल नेहरू प्रयाग के सर्वश्रेष्ठ यानी सर्वश्रेष्ठ वकीलों में प्रसिद्ध हुए और वह आनंद भवन के आसपास वहीं कहीं वह रहते थे। बहवा बहुत सारे आंग्ले शासकों ने उनके घर, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था तो बहुत से अंग्रेजी शासक उनके घर पर आए थे उनके जन्म का उत्सव मनाने। अनेक बार उनके घर पर एक एक करके, मतलब अनेक बार वारंबार यानी बार बार उनके घर पर लोग उनको नेहरू जी के जन्मदिवस की बधाई देने आते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदया स्वपितु एकाकी पुत्रः आसीत् येन साता राजपुत्रवत् परिपालयत्। राजपुत्रवत् की मीनिंग होती है राजा के पुत्र के समान। जरूरी नहीं कि वह राजा का पुत्र हो, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, राजा के पुत्र के समान। यानी नेहरू जी का पालन पोषण राजपुत्र के समान हुआ, यानी जिस प्रकार एक राजा के पुत्र का पालन पोषण होता है उसी प्रकार नेहरू जी का पालन पोषण राजपुत्र के समान हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे, यानी स्वपितु अपने पिता के एक ही पुत्र थे, एकाकी। जवाहरलाल नेहरू महोदया 25 वर्षाणि यावत् स्वगृहे अवशिक्षाम् अग्रहीत् तदा सा आंग्लदेशे हैरो शिक्षण संस्थाम प्रविष्टवान्। तदनन्तरं ट्रिनिटी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय शिक्षाम गृहीत्वा सा BSc MA इति उपाधिकारी अभवत्। स्वाध्याय कालेव सा स्वमातृभूमि स्वाधीन कर्तुम प्रतिज्ञाम अकरोत्। जवाहरलाल नेहरू महोदय 15 वर्ष की अवस्था में अपने घर से शिक्षा प्राप्ति के लिए निकले और उन्होंने आंग्लदेश हैरो शिक्षण नामक संस्था में प्रवेश लिया। उसके पश्चात उन्होंने ट्रिनिटी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और BSc MA इनकी उपाधि प्राप्त की। अपने अध्ययन काल में ही वह अपनी मातृभूमि के प्रति उन्हें बहुत लगाव था। उन्होंने अपने अध्ययन काल में ही प्रतिज्ञा की थी कि वह अपने मातृभूमि को स्वतंत्र करा के ही रहेंगे इन अंग्रेजी शासकों से। प्रथमा सा स्वपित्रा सह प्रयागीय प्रधान्याय न्यायालय वाक्यकीलस्य कार्यम कर्तुम आरब्ध अभवत्। 1916 ख्रीस्ताब्दे तस्य विवाह कमला नामनी कन्याया सह अभवत्। इंदिरा गांधी इति तस्याः आत्मजा आसीत्। 1918 ईस्वीय वर्षे सा भारतीय स्वशासन संस्थाया मंत्रीपदं निर्वाहयत्
तत्र पूर्ण निष्ठया चा आंदोलनम कृतवान। 1923 ख्रीष्टाब्दे सा कोकोनाडा कांग्रेस वसरे प्रथम वारम राष्ट्रीय महासभाया प्रधानमात्या निर्वाचिता अभवत। वह अपने पिता के साथ ही उनके प्रधानालय जाने लगे और वहाँ से उन्होंने वकालत सीखी। 1916 ईस्वी में उनका विवाह कमला नामक कन्या के साथ हुआ। इंदिरा गांधी उनकी पुत्री थी, आत्मजा बेटी को कहा गया है। और 1918 ईस्वी में वह भारतीय शासन संस्था के मंत्री पद पे नियुक्त किए गए। तत्र पूर्ण निष्ठया चा आंदोलनम कृतवान। इसके पश्चात उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ आंदोलन शुरू किया अपने भारत देश को आज़ाद कराने के। उसमें 1923 ईस्वी में वह कांग्रेस से कांग्रेस वसरे प्रथम वारम राष्ट्रीय महासभाया प्रधानः मारा निर्वाचितः अभवत। 1923 ईस्वी में वह कांग्रेस नामक पार्टी में निर्वाचित किए गए। 1929 ख्रीष्टाब्दे सा अखिल भारतीय श्रमिक संघमिते राष्ट्रीय महासभाया अध्यक्षकः अभवत। 1929 ईस्वी में वह अखिल भारतीय श्रमिक संघ के राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 1936-37 ख्रीष्टाब्दे सा संपूर्ण देश से भ्रमणम चकार। उन्होंने 1937-37 ईस्वी में संपूर्ण देश का भ्रमण किया। 1938 ख्रीष्टाब्दे सा चीन देश से स्पेन देश से चा भ्रमणम कृत्वा स्वदेशम प्रत्यागच्छत। 1938 ईस्वी में वह चीन देश और स्पेन देश का उन्होंने भ्रमण किया। 1939 ख्रीष्टाब्दे सा गोरखपुरे वर्ष चतुस्तयम कारादंडम असहत। और 1939 ईस्वी में वह गोरखपुर के कारागार में उन्हें भेज दिया गया था। 1942 ख्रीष्टाब्दे सा मुंबई पुरिया गांधी प्रवृत्ति नेत्र भी सा निग्रह नीता शासके। पुनः 1945 ख्रीष्टाब्दे सा कारागारात मुक्ता अभवत। इसके पश्चात पुनः 1945 ईस्वी में उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया गया। एवं तस्य जीवन संबंधिनी बहवी घटना संति वयम सर्वशाम उल्लेखम न कुर्मः। इनके जीवन में बहुत सारी घटना घटी जिन सभी का उल्लेख हम नहीं कर सकते। पेज नंबर 74 ओपन करेंगे स्टूडेंट्स। पेज नंबर 74 में देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदया विश्व प्रसिद्ध नेता आसीत। पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय विश्व के प्रसिद्ध नेता थे। सा महान क्रांतिकारी, गंभीर विचारक, अध्ययनशीला, उद्भट लेखक, राजनीति शास्त्र से महत् विशारद, आंग्ल भाषाया च पंडित आसीत। वह महान क्रांतिकारी, गंभीर विचारक, अध्ययनशील, उद्भट लेखक, राजनीति शास्त्र के महान विशारद, आंग्ल भाषाया च के पंडित हुए। सा वहन ग्रंथान अलिखत। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को लिखा जिनमें से मामकी कथा, विश्व इतिहास प्रकाशः, भारत की समस्या, पुत्री का पिता को पत्र नामक ग्रंथों को, इत्यादि ग्रंथों को उन्होंने लिखा। अयम महाभागः भारतस्य स्वाधीनता संग्रामे भ्रंश प्रायत अस्माकं देशस्य स्वतंत्राया तस्य महान योगः अस्ति। अतः पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय सर्वदा स्मरणीय, आदर्शः, अनुकरणीय। हमारे इस महाभाग के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत से महान कार्य किए। अतः पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय हमारी यादों में हमेशा रहेंगे। यह हमारे आदर्श हैं और अनुकरणीय हैं। अनुकरणीय की मीनिंग होती है हम इनके रास्तों पर चलने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपका 20 चैप्टर रीड किया बेटा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और एक्सप्लेन भी कर दिया गया। अपने नेक्स्ट इसकी पिक, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और जो भी इसके अदर वर्क हैं, इसकी पिक मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड गुड डे बेटा।